आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हमने लास्ट क्लास में अजीम जी के साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम क्यूरी के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्यूरी के बारे में कि रिलेशनशिप क्यूरी का क्या इस्तेमाल है और इसको हम एक्सेल के लिए कैसा कैसे इसका यूज करते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनशिप क्यूरी के लिए हमें एक डेटा बनाना होगा। तो यदि हम एक्सेल की मदद लेते हैं और एक्सेल के डेटा को ही एक्सेस पे डालने की कोशिश करते हैं। ओके सर, तो हमारे पास एक फाइल है डीडी का, जिसमें नेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एक काम करता है, इसमें से हम कुछ डेटा को सेपरेट करते हैं। सेल्स सेल्स इसमें हम पहले नाम देते हैं कस्टमर, दूसरा हमारा प्रोडक्ट, तीन सीट्स हम बना रहे हैं। चलिए, तो जो कस्टमर का सीट है हम कस्टमर में डालते हैं और इसको हम यहाँ इसमें डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा समझिएगा, आपको मैं एक्सेल सिखा रहे हैं सर। और हमने इसकी सिटी, इस कस्टमर की सिटी यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ इसकी कस्टमर की एक यूनिक आईडी होना चाहिए। तो एक डेटा हमारे पास कस्टमर्स की है, और यहाँ जहाँ पे कस्टमर था वहाँ पे हमने सीआईडी, कस्टमर की आईडी, और यहाँ पे हम अपना कस्टमर का डेटा डाल देते हैं। कितने नाम थे? 9 थे, तो 1 से लेकर 9 के बीच में कर देता हूँ। उसी तरह से हमारे पास, अब इसमें सिटी की जरूरत नहीं, सिटी हटा देता हूँ। मैं यहाँ से प्रोडक्ट उठाता हूँ और प्रोडक्ट वाले कॉलम में जाता हूँ और यहाँ डुप्लीकेट कर देता हूँ, मूव। और यहाँ पे हम भी प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी, और यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं। याद रखिएगा, रिलेशनशिप जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी डेटाबेस के अंदर। रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं यहाँ एमआरपी को डिलीट कर देता हूँ और प्रोडक्ट के जगह पे हम प्रोडक्ट की आईडी डालते हैं। 1 से लेकर 7 है, तो मैं यहाँ पे अपने रैंड फिल फॉर्मूले को हूँ 1 से लेकर 7। ये हमारा डेटा हो गया, राइट सर। और चलिए एक इसमें हम डेट भी डाल देते हैं, एक हमारा सेल्स आईडी क्योंकि हेलो, है। सुन रहे हो? हेलो, हेलो, हाँ सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। हेलो, अजीम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अब मेरे पास, आप डेटा को देखिए, हमारे पास डेटा क्या है। हमारे पास उसका डेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हमारे पास डेटा है सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी एंड क्वांटिटी। अब कस्टमर की बाकी डिटेल्स नहीं मेरे पास, बाकी डिटेल्स दूसरी सीट पे है, राइट। राइट, तो मुझे अब यहाँ पे एक डेटा निकालना है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन हो कि प्रोडक्ट क्या है, क्या क्वांटिटी, क्या एमआरपी, अमाउंट कितना हुआ, टैक्स कितना हुआ वगैरह वगैरह।
ओके सर, तो अब मैं ओके इस डेटा को एक्सेस पे, और मुझे एक फाइल मेरा एक्सेल पे ही रहेगा, फाइल को हम एक्सेस पे नहीं रखना चाहते, और जो डेटा है मुझे वापस एक्सेल पे चाहिए। तो हम यहां सबसे पहले जाते हैं एक्सटर्नल डेटा में, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि हमारा डेटा एक्सेल में ही रहेगा, तो उस केस में हम यहां पे लिंक डेटा को करते हैं, ठीक है, और जी नाम के फाइल को ओपन की। अब इसमें तीन सीट है, तो पहले हम सेल्स वाले शीट को ला रहे हैं, फिर मैं दूसरा दूसरे शीट को लाऊंगा, और दूसरा शीट है हमारा कस्टमर का, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। फिर वापस मैं तीसरे शीट को लाऊंगा, और तीसरा शीट हमारा है प्रोडक्ट का। तो तीनों शीट हमने लिंक कर लिया, ठीक है सर। अब मैं यहां पे क्रिएट में जाता हूं और एक डिजाइन क्वेरी पे आता हूं, कस्टमर प्रोडक्ट एंड सेल्स तीनों टेबल को रखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है जैसे कि अगर आप एक्सेल में वी लुकअप लगाएंगे, राइट सर, लुकअप में आप लुकअप वैल्यू देते हो ना कि हाँ आईडी से आईडी को लुकअप करें, हाँ कॉमन फील्ड कॉमन, तो आपको यहां भी देना पड़ेगा कि इन तीनों में कॉमन फील्ड कौन सा है। तो हमने बोला कस्टमर की आईडी रिलेट टू सीआईडी, ठीक है, ठीक है, इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी रिलेट टू पीआईडी, इसे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मुझे एक अपनी हिसाब से अरेंज चाहिए, तो सबसे पहले मैं एसआईडी, डेट, सीआईडी और फिर इस सीआईडी के नेम एंड सिटी लूंगा, देन हम इसमें से पीआईडी चुनेंगे और पीआईडी का प्रोडक्ट नेम और एमआरपी नहीं ले रहा, क्वांटिटी लूंगा पहले, फिर मैं इसकी एमआरपी लूंगा, माफ लूंगा। फिर अब ये हो गया हमारा, अब इसमें मुझे करना है कैलकुलेशन, चीप प्रोडक्ट क्वांटिटी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना, एमआरपी है एमआरपी, तो यहां पर मैं टोटल लिखता हूं और सेमी कॉलन देता हूं, फिर इसमें लिखता हूं टू टी वाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। इस तरह कैलकुलेशन करना तो मैंने आपको सिखाया नहीं था, और भी जो है टैक्स वगैरह कुछ और कैलकुलेट करना है तो हम यहां पे कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि मैं टैक्स लेना चाहता हूं, तो यहां पे टैक्स सेमी कॉलन, हमने बोला कि टोटल का 18% 0.18 होगा, और फिर यहाँ पे मुझे ग्राउंड जी टोटल ग्रोस टोटल करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे टोटल प्लस हमने बोल दिया यहाँ पे को सेव करना डेटा के नाम से। अब देखिए इस डेटा में आप देखेंगे तो आपका एसआईडी, डेट, सीआईडी, नेम, सिटी दिख रहा है आपको। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो सॉर्ट है वो सीआईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट है ना, लेकिन मुझे अपने एसआईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट चाहिए, तो क्या करेंगे डिजाइन में जाएंगे, यहाँ शॉर्ट बाई दिख रहा है, इस शॉर्ट बाई के यहाँ पे लेके मैं इसको असेंडिंग कर लेता हूँ, राइट। अब हमारा ये शॉर्ट,
हो गया सर। अब मुझे इसी डेटा को एक्सेल की उसी फाइल पे चाहिए जिस फाइल से डेटा एक्सेस में गया है। ओके वापस आते हैं, हम एक नया शीट पे जाते हैं जो कि हमारा डेटा शीट होगा। यहाँ भी एक चीज देखिएगा, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो एक्सेल के पार्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। हम ओके डेटाबेस में एक्सेस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैं अपना एक्सेस का वो फाइल सेलेक्ट करता हूँ, डेटाबेस 12 इंपोर्ट। अब इसमें देखिए आपको कस्टमर दिख रहा है, डेटा दिख रहा है सर आपको। तो हाँ अगर आप पुराना एक्सेल खोजे, जैसे कि आप अगर खोलते हैं 2003 का, 2010 का, तो उसमें आपको ये सीट नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका टेबल दिखता है जो कि एक्सेस में क्रिएटेड है, लिंक डेटा को नहीं दिखता है। बट हमारा जो नया 2019 का एक्सेल है उसमें सब कुछ देखता है। ठीक है, ठीक और यहां से हम इसको डेटा को यहां से लोड कर लेते हैं, और डेटा हमारा लोड हो गया। तो इस तरह से भी हम एक्सेस की मदद लेते हैं, क्योंकि इस तरह की कैलकुल इस तरह से अगर मैं वी लुकअप वगैरह लगाता तो काफी ज्यादा दिक्कत होती, बट यहाँ पे इजली है। ठीक है, अब मैं क्वांटिटी या कुछ ऐसा चेंज करूंगा, जैसे कि देखिए आपका ये -80 है, तो मैं सेल्स में जाता हूँ, सेल्स में इस -80 को मैं 75 कर देता हूँ, करके सेव कर दिया। अब जैसे ही यहाँ जैसे हम हाँ एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका लाइव कनेक्ट होता है आपके डेटा से। ये तो एक्सेल की बात थी, इसको छोड़िए, हम वापस बैक टू एक्सेस। तो इसमें एक्सेस में आपने सीखा कि किस तरीके से हम मोर देन टू टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपका डेटा जब आपका डेटा डिफरेंट 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 टेबल से हो तो कैसे आप कनेक्ट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। तो कनेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर टेबल में जो टेबल कनेक्ट हो रही है, जैसे कि आपकी दो टेबल कनेक्ट हो रही है ना, बोलते हैं इनर ज्वाइन। तो आपने डेटा को ज्वाइन